हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम लेते हैं। कहा हमको मालूम है आप लोग छींकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अच्छा पादते हैं तब क्या करते हैं? हमने कहा हरामीपन शुरू हो गया। बदमाशी शुरू कर दियो। बताइए ना, हमने कब बता दो देंगे मिनटों में। हमारे पास तो ऐसा जवाब है कि पीछे मुड़ के न देखो। गुस्सा तो नहीं होइएगा बाबा जी? कहना ना, आप बोलिए। हमने कहा हम लोग छींकते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पादते हैं तो बोलते हैं बम भोले टंगड़े। बम भोले टन गणेश। पंडित जी भाग गए। काका हो सुना? इन्हें सुना? कहना ना, हम रहुआ से बात ना करो। तो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो या। तो शेर सुनोगे? आँखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, ज़ियारत के वास्ते एक दिन हुज़ूर ख़ाम में जलवा दिखा। वो बड़ाई किस चीज की औरत कहने लगी, हम हुजूर का जलवा देखना चाहते हैं। यही बात मैं कर रहा था। हमने कहा देखोगी? कहा हाँ। कहा सुनो, पांचों वक्त नमाज की पाबंदी करो, बिस्तर पाक, कपड़ा पाक, बदन पाक, घर पाक, अतर लगा लो, दरूद शरीफ पढ़ते हुए मोहम्मद बन के सो जाओ। दरूद शरीफ पढ़ते हुए मोहम्मद मोहम्मद बन के सो जाओ। इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर तुमको रसूल का जलवा दिखाई देगा। उसने हमसे बताया कि हजरत 40 दिन क्या, तो 20 दिन में हमने सरकार का जलवा देख लिया। लेकिन हम लोग पाक रहे तब ना, हुसैन पाक, खिचड़ा पाक, मलिका पाक, गागर पाक, चादर पाक, अगरबत्ती पाक, मोमबत्ती पाक, आप मुसलमान हैं ना पाक। ये आज हमसे कह रहे थे, जरा नौजवानों को सुधारिए, नौजवानों को सुधारिएगा, बूढ़ा लोग सुधर गया है, बूढ़ा लोग सुधर गया है, 80 बरस का बूढ़ा दाढ़ी चढ़ा के एकदम दमदम काम के एयरपोर्ट बनाए हुआ है। बोलो बोलो, अच्छा कमाल है, आता है दाढ़ी बिगाड़ के, अब पूछिएगा इमाम साहब कहाँ गए थे? दाढ़ी बनाने गए थे। अरे बिगाड़ने के ऐसा कि बनाने गए? दाढ़ी तो वो बनाता है जो दाढ़ी रखता है। तुम तो दाढ़ी छिलवा के मोहड़ी में फेंका, तुमरा हम छम पर उतार दे तो घर बना के बिगड़ा। बोलने दे भाई, तुम दाढ़ी उतार के चला आया तो बना के बिगड़ा। इमाम हुसैन की बात मैं आपको क्या बताऊं? उनका इकरार करबला के मैदान में भी जवाब नहीं था। एक मुवर्रिख लिखता है कि आप इतना खजूर लेके गए थे कि खजूर घटता नहीं, घटता नहीं, क्यों घट गया? एक सवाल है तुम्हारा,
आखिर क्यों घट गया? का इसलिए कि जब जब यजीदी आपके से आते थे बात करने के लिए तो जैनब उसे जैनब उन्हें हुसैन हुक्म देते, जैनब मेहमान हैं इनको खजूर खिलाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जान के प्यासों को भी मौला अली के लाडले ने करबला के मैदान में इखलाक का नमूना पिया। फाके मस्जिद में जब दुश्मनों ने हजरत अली को मारा सुबह के नमाज के वक्त में, एक आदमी चादर फेंक के पकड़ लिया, मारने वाले को पकड़ लिया, हजरत अली को दूध पेश किया गया, जख्म गहरा था। वाह अली, खाली अली अली नहीं, अली के अखलाक देखो। वाह रे अली। दूध जब पेश किया गया तो आपने कहा पहले मेरे कातिल को दूध पिलाओ। तारीख का जवाब कहा नहीं, कातिल ने कहा मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा। कहा क्यों? इसमें जहर मिला के हमको आप मारना चाहते हैं। मौला अली की आंखों में आंसू आ गए। अरे कहा बदनसीब तेरी किस्मत फूट गई है, आज अगर तू ये दूध पी लेता तो मैं रसूलुल्लाह से कहकर कयामत के दिन तुझे जाने कौसर पिला। देखा इखलाक हजरत अली के अखलाक देखा। इस्लाम दुनिया में अखलाक से फैला है। नहीं नहीं, आज लोग कहते हैं बम से। अबे बम से नहीं, बुजुर्गों के दम से। बम से कहीं इस्लाम फैलेगा? खेला बगल मस्जिद के इमाम साहब यहीं पर हैं। मस्जिद गेट पर लोग खड़े रहते हैं कि नहीं? तेल लेके जरा इमाम साहब फूंक दीजिए, जरा हाफिज जी दम कर दीजिए, जरा हाफिज जी नट बाजू को जरा दम कर दीजिए, जरा इन कदर आ कदर इन लोगों को जरा दम कर दीजिए, पानी को दम कर दीजिए, तेल को दम कर दीजिए, बुखार ठीक, तबीयत ठीक। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा करो जब मुसलमान के थूक में यह हाल है तो मुसलमान के थूक में क्या हाल है। लेकिन मुसलमान बनो कम ना, नमाजी जो निकला है मस्जिद से तो क्या पढ़ के निकला है? फातिहा पढ़ के निकला है, दुरूद पढ़ के निकला है, सलाम पढ़ के निकला है, फूंक दिया है तो मरीज अच्छा हो गया है। इससे पता चला कि तुम्हारे फूंक में आज असर नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं। एक साहब ने हमसे कहा इस्लाम बम से फैला है। मैंने कहा बे नहीं, बम मार देने से तो सब नमाजी मर जाएगा, मस्जिद के गेट पर बम मारोगे सब मर जाएगा। कभी देखे हो किसी मस्जिद का मुअज्जिन बम मारा है? कभी इमाम बम मारा है? नमाजी बम मारा है? फूंक मारा है? पता चला जो काम बम से नहीं होगा वो काम दम से होगा। हाँ, ऐसा ऐसा बम बना दिया अमेरिका ने, मार दो हिंदुस्तान को कब्रिस्तान हो जाए, मार दो पाकिस्तान को कब्रिस्तान हो जाए। उससे पूछो ऐसा बम बनाए हो, मार दो कब्रिस्तान में सब मुर्दा कफन लिए दिए उठ भागे भागे। ऐसा बम है नहीं ना? हैरान, क्या ऐसा बम भी है? मार दो कब्रिस्तान में मुर्दा उठ जाए। हाँ जी, बड़े पीर ने कौन बेजरीदा का बम मार दिया है कब्रिस्तान में, तो कब्रिस्तान का मुर्दे कफन दिए दिए भागम भाग भागम भाग, और आगे आगे बड़े पीर और पीछे पीछे मुरीद। अरे कहा भाग, नाना आ रहे हैं, भाग जल्दी, नाना आ रहे हैं। नाना पीछे चले गए, कहा नाना चले गए, अब जाकर सो जा। बास किताबों में है कि सब मुर्दे जाके सो गए, अब बास किताबों में है कि 40 साल तक जिंदा रहे और सब अल्लाह के वली हो गए। पता चला जो काम बम से नहीं होगा वो काम दम से होगा। अपने नबी के अखलाक आज हमारे है अंदर, अखलाक नहीं है वो अखलाक। अपने नबी के अखलाक
जो गालियां भी सुन के दुआएं दीवार वार ऐसे नबी पे दो ईमान लाइए कुर्बान जाइए। अहले बैत से मोहब्बत करना फर्ज है। मसला सुन, नमाज जैसे फर्ज है, रोजा जैसे फर्ज है, अमीर के लिए हज जैसे फर्ज है, जकात जैसे फर्ज है, हर मुसलमान के लिए अहले बैत से मोहब्बत करना फर्ज। जैसे फर्ज का छोड़ने वाला गुनहगार है, इसी तरह अहले बैत से मोहब्बत नहीं करने वाला गुनहगार। और लोग कहते हैं कि हर साल केला बगान वाले यादे हुसैन मनाते हैं। यादे हुसैन कहाँ है? अरे कहाँ नहीं है रे, कुरान शरीफ में नहीं है यादे हुसैन? إنما يريد الله ليذهبكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حافظ صاحب یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ بے شک اللہ چاہتا ہے آپ کے اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ اور واقعی رسول کا اہل بیت ایسا پاک کہ جب حسین کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ بغل میں حسین پاک، حسن کا جب نام آتا ہے تو اس کے بغل میں حسن پاک۔ کہ اس کا جہاں نام کتاب میں آتا ہے بغل مکان لکھا رہتا ہے یزید بلی، یزید کے نام کے مکان لکھا رہتا ہے جہاں جہاں اردو کتاب میں دیکھے گا یزید وہاں کا لکھا رہے گا بلی بنے ناپاک۔ حسین کے نام کے ساتھ ہر جگہ پاک ہے، اس لیے کہ اہل بیت کو خدا نے پاک کر دیا ہے۔ کون اسے ناپاک کر سکتا ہے؟ اور یزید تو ایسا بد نصیب ہے کہ اس کے نام کے ساتھ پلی۔ لیکن آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یزید کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ جی بول رہے ہیں کہ یزید کوئی خراب آدمی نہیں تھا، یزید کوئی خراب آدمی نہیں تھا۔ میرے سامنے ایک صاحب نے کہا کہ یزید کوئی خراب آدمی نہیں تھا۔ ہم نے کہا تو ایسا کیجیے، آپ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ لیجیے۔ ہم جو اپنے بیٹے کا نام حسین رکھتے ہیں، غلام حسین رکھتے ہیں، امام حسین رکھتے ہیں، صدام حسین رکھتے ہیں، غلام حسین رکھتے ہیں، زاکر حسین رکھتے ہیں، ہم کو حسین سے محبت ہے، آپ کو یزید سے محبت ہے، ایک بیٹے کا نام یزید رکھیے، ایک بیٹے کا نام عمر بن سعد رکھیے، ایک بیٹے کا نام خودی رکھیے، ایک بیٹے کا نام سمر رکھیے نا۔ یہ بھی خدا کی مار ہے کہ کربلا کے واقعہ سے پہلے یزید نام کے بڑے بڑے صحابی ملتے تھے، لیکن کربلا کے بعد مسلمانوں کو اسلام سے اتنی نفرت ہو گئی کہ ایک بھی مسلمان دنیا میں اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا۔ بولیے، آپ کے محلے میں کوئی یزید نام کا آدمی ہے؟ بولیے نا بھائی۔ ہاں کہنا دیکھے ہیں، ٹیکیا پڑا میں، پورا ہاوڑا میں، پورا کلکتہ میں، پورا ہندوستان میں ہے نہیں؟ کہاں ہے بھائی؟ اگر یزید سے تم کو محبت ہے تو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھو۔
हम तो एकदम कहते हैं कि यजीदियों को उकसा के बोलिए कि एकदम रखो अपने बेटे का नाम यजीद, हम लोग रखते हुसैन, तुम रखो यजीद, खाली रख के देखो, खाली रख के देखे साल भर में क्या होगा, साल भर में का होगा, खाली रख के देखे। अब मुहर्रम के दस दिन तो बचबे नहीं, मुहर्रम के 10 तारीख तो बचबे ना करेगा, मोहल्ला में यजीद रहेगा। हम लोग करबला जाएंगे पहलाम करने, पहले इसका ना पहलाम कर लेंगे तब ना आगे जाएंगे, है ना भाई, है हुसैन के नाम पर खिचड़ा, यजीद के नाम पर खिचड़ी भी है, मोटका चावल का, हुसैन के नाम पर डेरा दिन का खिचड़ा, हुसैन के नाम पर शरबत, दूध की शरबत, पिस्ता बादाम का शरबत, यजीद के नाम पर है शरबत, मोहड़ी का पानी है नहीं है शरबत, कोई मोहड़ी का पानी देने को तैयार है, बोलो बच्चा, हुसैन का झंडा हर जगह लहरा रहा है, हुसैन का झंडा हर जगह लहरा रहा है, जहाँ देखो झंडा उसमें देखो डंडा, हाँ हाँ, डंडा जानते हो कहाँ का है, नहीं माने, एक मरतबा निजामी साहब से मुनाजरा हुआ, अल्लामा निजामी साहब से मुनाजरा हुआ यूनुस खादी लखनवी से, तो उसने कहा देवबंद का झंडा ऊंचा है, देवबंद का झंडा ऊंचा है, निजामी साहब जमात बहुत तेज आदमी, उन्होंने कहा बेशक देवबंद का झंडा ऊंचा है, उसमें मालूम है तुमको डंडा कहाँ का है, बोले नहीं मालूम, उसमें बांस बरेली का है, उसमें बांस बरेली का है, उसमें बांस बरेली का है, बांस निकाल दो झंडा नीचे, वो कमाल झंडा का नहीं है, उसमें जो डंडा लगा है वो डंडा का, वो कमाल झंडे का नहीं है, उसमें जो बरेली वाला डंडा लगा है ना उसका है। अभी भी लोगों को शर्म नहीं आ रही है, एक साहब ने इसी मटिया पुरी में कहा कि हुसैन से बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने कहा अच्छा ऐसा ऐसा भी आदमी पैदा हो गया, हमने कहा मौलाना तकलीफ करके जाइएगा मत, थोड़ा आपसे बात करना है, जब मेरा नंबर आया हमने कहा कहिए क्या भूल हो गई, कहा इमाम हुसैन से बहुत बड़ी भूल हो गई, कहा वो क्या, कहा जान बचाने के लिए झूठ बोलना जायज है, इमाम हुसैन झूठ बोल करके यजीद को खलीफा मान लेते 72 की जान तो बच जाती, बहुत बड़ी भूल किया, सवाल में दम है बाबू, हाँ सवाल में दम है मौलाना, लेकिन मैंने उसका मिनटों में जवाब दे दिया, हमने कहा सुनो ये बताओ कि जिब्रील दुबरे नाना के पास आते थे कि हुसैन के नाना के पास, कहा नहीं जिब्रील तो आते थे हुसैन के नाना के पास, कहा कुरान इनके नाना पर उतरा कि तुम्हारे नाना पर उतरा, कहा कि ना कुरान तो उनके नाना पर उतरा, कहा शरीयत ज्यादा जानते थे कि तुम ज्यादा जानते हो, कहा नहीं वो ज्यादा जानते थे, हमने कहा क्या इमाम हुसैन ये मसला नहीं जानते थे कि झूठ बोल के जान बचा सकते हैं, कहा यही तो हम सोच रहे हैं, तू झूठ काहे नहीं बोले, झूठ बोल के बचा लेना चाहिए था, हमने कहा नाना उनको मालूम था, काफी झूठ काहे नहीं बोले, हमने कहा इसलिए हैं कि हुसैन के सामने दो चीज थी, 72 को बचाया जाए कि कयामत तक नाना की उम्मत को बचाया जाए, इमाम के सामने दो मसला था कि झूठ बोल देने से 72 को बच जाएंगे लेकिन कयामत तक मेरे नाना की उम्मत शराबी के अंडर में चली जाएगी, जुआरी के अंडर में चली जाएगी, इसलिए हुसैन ने 72 को बचा के कयामत तक मुसलमानों का ईमान बचा लिया, तारीफ उस हुसैन की इंसान क्या करे नाना ने जिसके काबे को काबा बना दिया। लोग कहते हैं इमाम हुसैन के पास पावर नहीं था, पावर नहीं था, अबे वो पावर हाउस से तुम कहता पावर नहीं था, पावर हाउस से तो मर गए, हमने कहा तुमको मालूम ही नहीं है मुसलमान मर जाता है तो पावर बढ़ जाता है,
कहा कैसे, हमने कहा बताओ, मुसलमान मर जाता है तो पैदल जाता है कि कंधा पर चढ़ के, कहा कि नहीं कंधा पर चढ़ के, मौलाना गुलाम आसिम कंधा पर चढ़ के, शकील आसिम के कंधा पर चढ़ के, शकील के मौलाना साहब के कंधा पर चढ़ के जिंदगी भर पैदल चढ़ा, हमारे के बाद चढ़ गया कंधे पर, ये नहीं कोई कह सकता। अबे गंजेड़ी नीचे उतर, अबे शराबी नीचे उतर, एकदम नीचे उतर सकते हो, जिंदगी भर एक पहाड़ पर नहीं, हमारे के बाद ले के उड़ा, दे गुलाब ले के उड़ा, दे गुलाब ले अगरबत्ती, दे मोमबत्ती ले अगरबत्ती, दे मोमबत्ती उठाओ कागज चढ़ाओ चादर। अरे वाह, मरने के बाद तो दाम बढ़ गया, नहीं बढ़ा दाम। अच्छा इमाम साहब आगे रहते हैं कि पीछे, जल्दी बताओ। अरे केला बगान में नमाज पढ़ने जाते हो मस्जिद में, इमाम साहब आगे रहते हैं कि पीछे? आगे आगे, ठीक से बोलेगा, आगे रहते हैं ना। अब वही मुक्तजी मर गया, आई कफन पहन लिया, तो ये अब कहाँ रहेगा? ये रहेगा आगे, इमाम साहब होगा पीछे। जिंदगी भर इमाम साहब रहे आगे, जनाब कल्लू पीछे, बबलू पीछे, डबलू पीछे, जुमराती पीछे, सोमारू पीछे, मंगलू पीछे, ये सब पीछे, इमाम साहब आगे, और यही सोमारू मर गया। अब जनाब एकदम पहन के कपड़ा पहन के आगे आगे वो हो गया, पीछे पीछे वो हो गया। मरने के बाद धोनी बढ़ा, कांधे पे लिए अहबाब चले आराम से क्या धीरे धीरे, नहीं भाई क्या बोलते, अरे धीरे धीरे ले चलो, मरने वाले को तकलीफ दो, जिंदगी पर कितना घूंसा मारा, मरने के बाद इतनी इज्जत। कांधे पे लिए अहबाब चले आराम से क्या धीरे धीरे, ऐसी तो कभी खातिर ना हुई, क्या बात है तेरे जाने की। अच्छा मरने के बाद कहे पावर बढ़ जाता है आपको, इलेक्ट्रिक मिस्त्री है यहाँ कोई? इलेक्ट्रिक मिस्त्री है तो अच्छा, पावर अगर स्लो हो जाए, लो हो जाए, तो उसको बढ़ाने का तरीका क्या है? मौलाना शकील साहब सुनिए, तकदीर तो बहुत सुना होगा, इस गुनाहगार की भी तकदीर सुनिए, ये बुजुर्गों की जीवियों का सत्ता है। पावर घट जाए, कम हो जाए, उसको बढ़ाने का है कि एक तार निकाल के और जमीन से सटा दीजिए, एक पैर निकाल के जमीन से सटा दीजिए, पावर बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मुसलमान जब कब्र में जाता है उसका पावर घटता नहीं है, बढ़ जाता है। जब मुसलमान का ये हाल है तो शहीद का क्या हाल होगा, और इमाम हुसैन तो शहीदों के सरदार हैं, उनका क्या हाल होगा? तारीफ हुसैन की इंसान क्या करे, नाना ने जिसके काबे को काबा बना दिया। अच्छा खिचड़ा मड़ी खूब बनाते हो, नमाज पढ़ते हो, आपकी तकरीर बड़ी अच्छी होती है, लेकिन एक बीच में नमाज जो घुसा देते हैं ना, जरा गड़बड़ हो जाता है। ये हाल नमाज पढ़ते हो, मुहर्रम 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बड़का बड़का झंडा लेके, या हुसैन क्या हुसैन क्या हुसैन क्या हुसैन क्या हुसैन क्या हुसैन, एकदम यहाँ यहाँ वहाँ आता है जाता है आता है जाता है, मस्जिद में एक बार नहीं जाता। हम कहते हो झंडा लेकर मस्जिद में जाके नमाज भी तो पढ़ना चाहिए, क्या हमारे इमाम हुसैन ने सिर्फ झंडा उठाया है या नमाज भी पढ़ी है? इसलिए कर्बला के मानने वालों
और यादी हुसैन मनाने वालों खाली नियाद मत करो, नियाद के साथ नमाज भी पढ़ो और खाली मजार पर मत जाओ, मजार के साथ साथ मस्जिद में भी जाओ। आज मजार पर जाने के लिए सुन्नी एकदम तैयार है, देखते नहीं नियाज औरतों से पूछिए, नियाज कौन जानती है? खड़ी बीवी का नियाज, बैठी बीवी का नियाज, सोई बीवी का नियाज, चुप बीवी का नियाज, खड़ी बीवी का नियाज, बैठी बीवी का नियाज। अरे खाली नियाजे करेगी कि नमाजों पढ़ेगी? एक औरत से मैंने कहा, लज्जा में ढोलक बजाना बंद कर, कहे सब मना है, तो कहा कि आप तो अजब मौलाना है, कहाँ से पढ़ के आए हैं, लज्जा तो बड़े दिन करते थे। हमने कहा या अल्लाह, ये तो हमसे भी आगे से पढ़ के आई है मालूम होता है, हम तो बिहार में पढ़े हैं, ये लगता मिसर गई थी। कहा बड़े पीर ने लज्जा किया, हमने कहा चुप चुप। तो दूसरी औरत ने कहा, हां साहब बड़े पीर का खाजा गई ने आज भी लज्जा किया। तो मैं परेशान हो गया कि या अल्लाह ये कहां से पढ़ के आए हैं। मैंने कहा तुम दोनों ने ठीक कहा, बड़े पीर ने भी लज्जा किया और खाजा ने भी लज्जा किया, लेकिन ढोलक बजा के लज्जा नहीं किया, कुरान पढ़ के लज्जा किया, तहज्जुद पढ़ के लज्जा किया, इबादत करके लज्जा किया। आज की जो रात है आशूरा की रात, इस रात में कर्बला वाले क्या कर रहे थे? तारीख पढ़िए, कुरान पढ़ रहे थे। यही रात मोहलत मांगी थी, इस रात की मोहलत मांगी थी इमाम हुसैन ने अमर बिन साद से, कहा एक रात की मोहलत दे दो, कहा क्यों? मौत के डर से, कहा नहीं नहीं, ताकि मैं एक रात और अपने खुदा को याद करूं। रात भर कर्बला के मैदान में उन लोगों के यहाँ तलवार तेज, हथियार तेज, छुरी तेज, अल्लाह अल्लाह, और इनके यहाँ तस्वीर है, तहलील है, तहमीद है, तहज्जुद है, कुरान है, खेमे से भुन 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 मक्खी के भिन भिनाने की आवाज आ रही थी, औरत भी कुरान पढ़ रही थी, बच्चियां भी कुरान पढ़ रही थी। आज की रात कुरान पढ़ने की रात है। आज हम लोग क्या करते हैं? आज की रात में डब्लू को ले लीजिए, अब बबलू को ले लीजिए, अब बबलू की माँ को ले लीजिए, खूब घुमा रहे हैं। घुमाने वाली रात नहीं है ये रात, इबादत की रात है। और इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे, बार बार आपने सुलह का पैगाम दिया, इमाम हुसैन नहीं चाहते थे जंग हो, अपनी तरफ से कभी आपने पहल नहीं किया। ऐ लोगो हमको पहचानो, मैं अली का बेटा हूँ, फातिमा का लख्ते जिगर हूँ, नबी का नवासा हूँ, मुझसे जंग मत करो, मुझसे लड़ाई मत करो, मैंने किसी का माल नहीं हड़प किया, मैंने किसी की जायदाद हड़प नहीं की, तुम लोग हमको छोड़ दो, हम चले जाएंगे यहाँ से कहीं। लेकिन अमर बिन साद का एक ही जवाब था, या तो यजीद को खलीफा मानिए या लड़ने के लिए तैयार, है ना? इमाम हुसैन ने कहा ये तो नहीं होगा, शराबी को खलीफा नहीं मानूंगा, जुआरी को खलीफा नहीं मानूंगा, शरीयत के खिलाफ चलने वाले को खलीफा नहीं मानूंगा, गंजेड़ी को खिलाफ नहीं मानूंगा, फासिक को खिलाफ नहीं मानूंगा, खलीफा नहीं मानूंगा। आज हम लोग क्या का होता है? हमारे यहाँ अखाड़ा का खलीफा, जुम्मन खलीफा, जुमराती खलीफा, सोमराती खलीफा, सोमारू खलीफा, मंगरू खलीफा, धोनाऊ खलीफा, दाढ़ी नहीं, मोछ नहीं, नमाज नहीं, रोजा नहीं, दिन रात गर्जा, दिन रात दाढ़ी, दिन रात दास, एक डंडा लेके हरा कपड़ा पहन के घूम रहा है, जुम्मन खलीफा, जुमराती खलीफा। खलीफा है एक बड़ी खेस के छोटी खेस, खलीफा बहुत ऊंचा लफ्ज है, पूछो मौलाना शकील से, हमारे इमाम साहब से, खलीफा बहुत ऊंचा लफ्ज है, खलीफा कौन थे? सिद्दीक अकबर थे, खलीफा कौन थे? उमर फारूक,
खलीफा कौन थे? उस्मान गनी थे। खलीफा कौन थे? मौला अली थे, इमाम हसन थे। आई गंजेड़ी खलीफा, बोलो बोलो, भंगेड़ी खलीफा। खलीफा का भी एकदम भरमार है, टोकरी का टोकरी खलीफा। किलो के भाव में खलीफा, जिसको देखिए हम खलीफा हैं, मुरीद कर रहा है, मुरीद कर रहा है, रोजा नमाज कुछ नहीं, ताड़ी तीरा बम बम, हैं हम मुरीद कर रहा है, हैं छोटा खलीफा, छोटा पी, हाँ छोटा पी, लकड़ पी, मगड़ पी, गंजेड़ी पी, अरे कैसा पीर है रे, पीर है क्या, तेर है रे, मुरीदों को पेरे हुए हुए, हैं के खिलाफ बाल, मूछ बेढंग, दाढ़ी बेढंग, रोजा नहीं, नमाज नहीं, पांच उंगली में लोहा, पांच उंगली में लोहा, मूछ बेढंग, दाढ़ी बेढंग, गोड़ में लोहा, पैर में लोहा, दस गो मुरीद आगे, दस गो मुरीद पीछे, हटो हटो बढ़ो, हटो हटो बढ़ो, कुछ मत बोलिए, पहुंचे हुए मुरीद का बोलता है, कुछ मत बोलिए, हजरत पहुंचे हुए हैं, अब पता नहीं कि हजरत जहन्नम में पहुंचे हैं कि कहां पहुंचे हैं। पानी पियो छान के, पीर पकड़ो पहचान के, इमाम हुसैन ने दुनिया को बता दिया, बहर को शहीद करके बता दिया, गंजेड़ी खलीफा नहीं होगा, बेनमाजी खलीफा नहीं होगा, फासिक खलीफा नहीं होगा, फाजिल खलीफा नहीं होगा। हुसैन खानदान दे सकता है, लेकिन नाना की शरीयत को आज नहीं आने देंगे। इसलिए हुसैन के मानने वालों, हुसैन से प्यार करो। हुसैन ने कर्बला के मैदान में नमाज नहीं छोड़ा। बोलो बोलो, आज हम लोग केला बगान में भी नमाज छोड़ देते हैं। बोलो बोलो, छह किस्म का नमाजी हमको मालूम है। क्या किसी का 34 साल हमने रहमत किया है आपकी दुआ से, मोची खोला में 20 साल और टीटागढ़ में 14 साल। अब क्या, पहले हम बेगेचिया में पढ़ते थे वहाबी से, बड़ी मुनीर से हम पढ़ते थे, शुरू में हम शागिर्द हैं वहाबी के, कट्टर वहाबी, एकदम बदबूदार सड़ा गड़ा वहाबी। तुमने क्या अर्ज कर रहा था? हाँ, नमाजी छह किस्म का, असली वसली फसली आठ के खाट के, तीन सौ सात सात के, असली जो बराबर पढ़े, अल्लाह का सब असली हो जाए, बोलिए आमीन। एक वसली मेहमानी में आए हैं केला बगान, खूब नमाज पढ़ रहे हैं ताकि यादगारे यादि हुसैन वाले नमाजी समझ के नजराना बढ़ा के दें। मेहमानी खत्म, नमाज खत्म। और एक नमाजी आठ असली वसली फसली फसली, मुल्क से चिट्ठी आया, आरा से खत आया, धान हुआ है तुम्हारे खुशी के, मस्जिद में घुस गया, नमाज शुरू, फिर खत आया, धान कट के।